और आज से जो है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रही है। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर के लिए जो है सबसे पहला काम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को समझना। ठीक है, तो आप कल को जाकर के स्टूडेंट्स को समझेंगे, तो उनको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम उन्हें कैसे समझें। ठीक है, आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी है, जो भी एक टीचर होगा उसे ये बहुत जानना जरूरी है कि किस तरह से जो है आप एक स्टूडेंट्स को के साथ जो है, या स्टूडेंट्स को समझते हैं, या कैसे उसके साथ डील करते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपने समझनी है। हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चाइल्ड यानी कि क्योंकि हम स्कूल के लिए टीचर बनने वाले हैं, हम या तो टीजीटी लगेंगे, या जेवीटी लगते हैं, या फिर हम पीजीटी लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको समझना जरूरी है। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो टैट वाले हैं उनके लिए तो 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30 में से 28 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट मेरे साथ पढ़ेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। 28 तो आप मान के रखिए 30 में से। ठीक है, और जो बाकी कमीशन वाले हैं उनको ये वाले कॉन्सेप्ट भी आएंगे, प्लस उनको पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी जो है बहुत इजी होती है, क्योंकि आपको अगर पेपर 2 भी आता है तो पेपर 2 के अंदर जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो एक चाहे 10 ही क्वेश्चन आए बट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अपने जो है इस चाइल्ड डेवलपमेंट को जो हम शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे आपके, जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है? तो सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो मीडियम बता दूं, मीडियम बहुत ही रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं बोलूंगी मैं। ठीक है, टर्म्स इंग्लिश में भी यूज करेंगे, समझाने के लिए हिंदी भी यूज कर देंगे, तो बाइलिंगुअल ही क्लासेस रहेगी। डरना नहीं है किसी ने भी कि इंग्लिश में लिखा है हिंदी में नहीं बताया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं डरे। ठीक है, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आपने साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। तो टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि विकास एवं वृद्धि वाला, जो हमने करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन 101% आता आता है। सोशलाइजेशन है, क्वेश्चन आएगा, समाजीकरण। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्वेश्चन आएगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं जिसे आप बोलते हैं। पियाजे की थ्योरी है, पॉल वर्क की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है। तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक विकास। पॉल वर्क की बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट है, यानी कि आपका जो है नैतिक विकास। वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दे रखी है सोशल कल्चर डेवलपमेंट दे रखा है, तो यानी कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास। फिर एरिक्सन की आती है, तो एरिक्सन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो हमारा सोशलाइजेशन में ही आ जाता है। तो ठीक है, कोशिश करेंगे सोशलाइजेशन के अंदर ही इसे कवर करें हम। फिर हमारा टॉपिक आता है थॉर्नडाइक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। स्किनर और पैवलव है, कंडीशनिंग थ्योरी है इनकी। सिगमंड फ्राइड है, जिनका आपको एक कॉन्सेप्ट आता है ईगो वाला जो है आपका। ठीक है, फिर है लैंग्वेज एंड थॉट, तो इसमें हम कुछ थिंकर्स देखते हैं जैसे नॉम चोमस्की है, या पहले लैंग्वेज देखेंगे फिर इसके बाद वाइगोत्स्की देखते हैं, इसी के अंदर की भाषा को लेकर के क्या बात की गई है। उसके बाद मैचुरेशन वाला टॉपिक देखेंगे, परिपक्वता जिसे आप कहते हैं, तो इसमें हम डॉक्टर एनोल्ड गैसल के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशंस देखेंगे प्रेरणा वाला, तो इसमें हम मोटिवेशन साइकिल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम स्पेशल चाइल्ड देखते हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालक जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी जितने भी टाइप की बालक होंगे या चाइल्ड होंगे उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक जो है एनसीएफ वाला आता है, तो यहाँ तक सभी ने नोट कर लिए टॉपिक 16 टॉपिक। रिस्पॉन्स अपना फटाफट से देना है आपने। अब अगर बैकग्राउंड में साउंड नहीं है तो आप माइक यस कर सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड में साउंड है तो मैम चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट अभी टॉपिक खत्म नहीं हुए हमारे। ठीक है, टॉपिक है एनईपी के बारे में पढ़ेंगे, एनपीई, एनपीई पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। फिर है आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर असेसमेंट है, इवेल्युएशन है टॉपिक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आकलन और मूल्यांकन। फिर हम देखेंगे एक अल्बर्ट बेंडूरा भी है, अल्बर्ट बेंडूरा,
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं, तो उसको नोट कर ले साथ में। इसके अलावा जो मुझे लगेगा बीच में कि कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो करेंगे, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, अब डेली के डेली, ठीक है। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्रा, मैंने कहा ना कि बीच में जो मुझे लगेगा कि टॉपिक और आपके लिए पढ़ाया जाना चाहिए वो साथ में करवाऊंगी। आप डेली एमसीक्यू जो है टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करेंगे इसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के, और वीक में जो है 3 बार आपका ऐप पे जो है टेस्ट होगा, चाहे आपके 10 MCQ का ही टेस्ट हो, लेकिन वीक में जो है 3 टाइम्स आपका ऐप के अंदर जो है टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सारा का सारा आज जैसे अगर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है तो मे भी हो सकता है कल या परसों के बीच में आपका ऐप में इससे रिलेटेड टेस्ट रख दिया जाए, ठीक है। तो आपको अब सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, किसी को या कुछ समझ नहीं आया हो सिलेबस के बारे में? जो कल क्लास से बैठेंगे फिर दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हो? मुझे आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आई, इसलिए मैं सॉरी आंसर नहीं दे पाऊंगी, दोबारा से बोलेंगे तो शायद आवाज क्लियर आए। ऐसे निकल मिक्सर में किसी के जो है माइक ऑन है, गुलशन माइक ऑफ करिए, गुलशन ना। माइक ऑफ रखना है, ठीक है। अगर बातचीत करनी हो क्लास के अंदर तो या तो क्लास में आइए मत, अगर क्लास के अंदर आना है प्लीज सीरियसली आया करें, ठीक है, क्योंकि दूसरों को भी जो है डिस्टर्ब नहीं करना है किसी ने। चलिए, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो है वो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा, और बहुत अच्छी अच्छी इमेज के साथ जो है मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, साथ में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्लियर जो है करवाऊंगी। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी कि विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, यानी कि विकास और वृद्धि का जो अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, यानी कि इसकी अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है। फिर डोमेन और एरियाज, यानी कि इसके क्षेत्र और आयाम के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। देन डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दिशा जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है 4 से 5 जो है लगभग हम दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे इनकी। देन डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके बारे में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है इनमें से आएगा, एक क्वेश्चन जो है इनमें से आता है प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो लगभग जो है 5 जो है आपके 5-6 जो है प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर एमसीक्यूज देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, आप क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर जो है हमने कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। यस मैम, ओके, यस तो मैम। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको थ्योरीज बता देती हूँ। मेजर थ्योरी जो रहती है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमारी, कॉग्निटिव जो पियाजे की थ्योरी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी देखेंगे जो हमारी जो है बाइकोत्स्की की होगी, सोशल कल्चर थ्योरी देखेंगे जो हमारी सोशल लर्निंग है, सॉरी यहाँ पे है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी जो होगी ये एरिक्सन की ही देखेंगे, और ये जो है ये बाइकोत्स्की की होगी। बिहेवियर चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, अटैचमेंट थ्योरी भी है बट ये हमारे इसमें नहीं आती है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट देखेंगे, ये जो है ये सिगमंड फ्राइड की है आपकी। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे सारी थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे, या बहुत सारी और भी बहुत सारी आएगी, ठीक है, लेकिन इमेज में इतनी ही थी। चलिए, तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट जो है यानी कि जिसे आप विकास कहते हैं वो विकास क्या होता है। तो विकास जो ये टर्म है आपकी, ये जो टर्म है कौन सी टर्म, डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट आपकी टर्म है, इस टर्म को, इसका टर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस मतलब परिवर्तन। अब कैसा परिवर्तन, सॉरी परिवर्तन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, चलो लिख लेना इसको, ठीक है, परिवर्तन। तो परिवर्तन तो है लेकिन कैसा, किसका परिवर्तन,
कि मानव में होने वाले जो परिवर्तन है बच्चों में होने वाले, खासकर हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों के परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। किसके परिवर्तन देखेंगे? बच्चों के परिवर्तन। अब बच्चों में कैसे परिवर्तन? तो बच्चों में जो है आप देखते हैं बच्चा पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जो है बड़ा हो जाता है, तो वही परिवर्तन जो है आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से परिवर्तन आते हैं बच्चों में। तो डेवलपमेंट वही होता है। तो यहाँ पे दो तरह के जो है डेवलपमेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से चेंजेस हैं वही आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ ताकि अच्छे से जो है बता सकूं। तो ये जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, कौन से हैं? नंबर वन आपका है क्वालिटेटिव चेंजेस, सेकंड है क्वांटिटेटिव, ठीक है जी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हिंदी में अगर कहें तो जो आपका क्वालिटेटिव होता है वो कैसा चेंज होता है? वो आपका गुणात्मक, कैसा होता है? गुणात्मक परिवर्तन। और क्वांटिटेटिव होता है जो आपका मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो ये दो तरह के चेंजेस होते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई है क्वांटिटेटिव, ठीक है, किसकी बात? क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के अंदर जो भी आपकी गुण होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसके इसमें क्या किया गया है क्वांटिटेटिव में? नंबर्स और अमाउंट की बात की गई है, नंबर्स यानी कि संख्याओं की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम गुणात्मक के बारे में, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। अब ये जो चेंज होते हैं, अब देखो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल अगर वर्ड में कहूं तो हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन, लेकिन कैसे परिवर्तन? गतिविधियों में, किसमें? गतिविधियों में, एक्टिविटीज में जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं। माप नहीं मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं, बट क्या करते हैं उसको हम देख, मतलब हम महसूस करते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ हमें लगता है कि हाँ इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे शीट है, यस, ये देखो मैं आपको पहले इसमें एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो कोई बच्चा है जिसका बर्थ हुआ, और बर्थ के समय जो है बच्चा क्या जानता था? सिर्फ लेटना जानता था, लेकिन जैसे ही वो 1 ईयर का हो जाता है तो बच्चा चलना भी शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि चलना जो है उसने शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा जो है चाहे पकड़ के चल रहा है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे दौड़ना शुरू कर देगा, है ना। तो वो क्या होगा उसका? उसका जो है गुणात्मक विकास है, गुणात्मक विकास यानी कि जो है क्वालिटेटिव चेंज है जिसमें क्वालिटी की बात की जा रही है। मान लो बच्चे को पहले भाषा नहीं आती थी, जब बच्चा होगा जन्म होगा तो उस टाइम से बोलना तो नहीं शुरू करता है वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होना शुरू होगा तो वो बोलना भी शुरू कर देगा ना। धीरे धीरे उसकी जो है मतलब पहले वो अ ब करके बोलेगा, फिर धीरे धीरे जो है वो अच्छे सेंटेंस बोलना शुरू कर देगा, तो वो बोलना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक, गुणों से संबंधित, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तभी तो हमने क्या बोला? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्लियर हुआ कि क्वालिटेटिव चेंज क्या होते हैं आपके? यस मैम, सभी को यस क्लियर है? मैम, ओके, देखो यस मैम, यहाँ पे एग्जांपल लिखा भी, चेंजिंग फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है जी, कि पहले बोलना नहीं जानता था, बाद में बोलना उसने शुरू कर दिया। फिर क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है यानी कि मात्रा की बात होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हाइट है, वेट है, साइज है, साइज ऑफ वोकैबुलरी, है ना। तो ये जो है जैसे बच्चा जो है, कोई बच्चा है मान लो जब उसका बर्थ हुआ तो उस समय जो है उसका जो वेट था वो 2 केजी था। आप 1 साल के बाद बच्चे का वेट देखते हैं तो बच्चे का वेट जो है 12 केजी हो गया। तो आपने क्या किया? मेजर किया उसको, है ना। उसकी हाइट जो है जब उसका बर्थ हुआ तो 1.5 फीट थी, ठीक है, लेकिन आप जब 1 साल के बाद देखते हैं तो 2.5 फीट होगी। वो क्या कर रहे हैं आप? मेजर कर रहे हैं, मतलब आप उसको माप रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मेजरमेंट का जो है ये बना हुआ है। क्लियर है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज क्लियर हुए सभी को? यस यस मैम, मैम। यस तो मैम, ये बहुत ही इजी था और बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से ही डायरेक्ट आपको
पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ से, बहुत बार आया हुआ है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अच्छा मैं थोड़ा सा और लिखवा दूं आपको, तो आप लिख लीजिए कि डिपेलमेंट, क्योंकि मैं अपने नोट्स भी साथ में लिखवाती चलूंगी आपको, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। डिपेलमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डिपेलमेंट कैसा प्रोसेस है? एक जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे साथ में, विकास जो है, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे साथ में एक चीज और लिखेंगे आप, डैट इंक्लूड्स ग्रोथ। डैट इंक्लूड ग्रोथ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ भी साथ में आ जाती है इसमें। तो जो हमारा ग्रोथ होता है, यहीं पे मैं आपको बता दूं ग्रोथ क्या होती है। एक मिनट रुकिए, और पेन लेती हूँ ताकि आपको। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज अ आल्सो सॉरी ग्रोथ इज एन ग्रोथ इज ऐसे लिखिए, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो है वो भी किसका हिस्सा है? विकास का ही एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट है। तो अब आपको ग्रोथ क्या होती है, डिवेलपमेंट क्या होती है, कैसी होती है डिवेलपमेंट, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से जो इसे हाईलाइट कर ले, लिख ले। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ लॉन्ग, तो लाइफ लॉन्ग का मतलब हुआ कंसेप्शन, कंसेप्शन टू टिल डेथ, यानी कि गर्भधारण से, कब से, गर्भधारण से मृत्यु तक। कैसी होती है लाइफ लॉन्ग का मतलब, यही हुआ ना कि जब बच्चा गर्भधारण करता है उस समय से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहेगा विकास का। इसे हम एक और टर्म भी यूज कर लेते हैं, वॉर्म टू टॉम, तो वो भी नोट कर लीजिए, वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता तो उसके बाद जो उसकी बोन्स होती है, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो है उसकी बॉन्स बहुत सारी होती हैं जन्म लेते हैं, और जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जैसे उसकी डिवेलपमेंट और ग्रोथ होती है, तो क्या होता है लास्ट में उसकी कितनी बॉन्स बच जाती है, कितनी हड्डियां बच जाती है, 206 बच जाती है ना, इतनी होती है ना लास्ट में, जिसे हम, यस मैम, हाँ, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं, एसिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अस्थिकरण की प्रक्रिया। चलो खैर वो अलग कंसेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है माइंड में। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट यहाँ तक यस कोई? मैम, यस नो मैम, मैम, नो मैम, ओके, नो मैम, क्लियर है चलिए। तो मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि यहाँ पे चाइल्ड लिख रखी है, चाइल्ड को आप जो है डेवलपमेंट कर लीजिए, चाइल्ड चाहे मत ही लिखिए, नो प्रॉब्लम, और डिपेलमेंट ही कर लो, स्टेजेस ऑफ डिपेलमेंट, ठीक है। क्योंकि हम जो है कुछ ऐसी डिस्कस भी करेंगे स्टेजेस जो चाइल्ड की नहीं होगी, जैसे अडल्टहुड ओल्ड एज भी लिख लेते हैं हम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेजेस ऑफ डिपेलमेंट। बाकी आप माइंडली क्लियर रहेंगे कि आप चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो चाइल्ड की ही होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से स्टेजेस जो है इमेजेस में भी दिखाई गया, बच्चा पहले ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है फिर ऐसा फिर ऐसा, है ना, तो वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए तो इसके बारे में अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट के बारे में, ओके, मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। हम जो है एक चाइल्ड डिवेलपमेंट बोलते हैं और एक ह्यूमन डिवेलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेजेस में एक चाइल्ड आएंगी और एक ह्यूमन आएगी। चाइल्ड की जो है ये आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, और ह्यूमन की जो है वो 6 होती है। तो 6 कैसे होंगी, 4 + 2 हो जाएंगी, 4 तो यही वाली आ जाएंगी आपकी, 2 आपकी एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी 6। तो चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस इसमें आती हैं। चलिए अगर चाइल्ड की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा इमेज में दिखाया गया है, न्यू बॉर्न है, इन्फेंट बोल सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज में है, न्यू बॉर्न मतलब प्रीनेटल स्टेज बोल सकते हैं या तो आप,
गर्भावस्था, पर यहाँ पे गर्भावस्था खैर होगा नहीं, न्यू बॉर्न को रहने दो, आप प्री नेटल लिख लीजिए यहाँ पे। प्री नेटल का मतलब होता है गर्भावस्था, बच्चा जो है गर्भावस्था में। फिर इन्फेंट यानी कि आपका शैशवावस्था, हिंदी में कहेंगे शैशवावस्था, मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े हिंदी में, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉडलर बोल रखा है और प्री स्कूल और स्कूल एज बोल रखा है, तो हम जो है इसे, साउंड आ रही है वापिस रिटर्न किसी की, ओके चलो, तो इसे जो है मैं आगे और बताऊंगी। आप ये सारी की सारी स्टेजेस जो है किसकी है, चाइल्डहुड की है, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड की ये स्टेजेस है। उसके बाद हम देखते हैं एडोलसेंस आता है, फिर एडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगा। तो फिलहाल आप जो है एक प्री नेटल लिख लो, एक इन्फेंट या इन्फेंसी स्टेज लिख लो और एक चाइल्डहुड लिख लो। तो नेक्स्ट स्लाइड में मे भी लिखा हो, यस चलो यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी को क्लियर करते हैं पहले। तो इसे जो है पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल लेते हैं आप, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी, या चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले है प्री नेटल, तो हमने क्या कहा, प्री नेटल का मतलब होता है गर्भावस्था। इन्फेंसी या टोडलरहुड भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि शैशवावस्था हिंदी में, जो जो अपना मीडियम है उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते चलो, शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, दोनों को हम क्या बोल देंगे, चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। फिर आता है एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, दोनों को ही क्या, अच्छा इसको ही बोलेंगे सिर्फ, इसे क्या कहेंगे आप, किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। फिर हमारी आती है अर्ली एडल्टहुड और मिडल, तो इस दोनों को हम क्या बोल देंगे, एडल्टहुड। यहाँ पे काफी एक्सप्लेन कर रखा है इसको, बट आप एडल्टहुड बोलेंगे तो चल जाएगा, मतलब प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था आपका, ठीक है। फिर लेटर चाइल्डहुड है, सॉरी लेटर एडल्टहुड है, यानी कि ओल्ड एज बोल देते हैं इसको, ओल्ड एज, बुढ़ापा, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि जो प्री नेटल स्टेज है वो कब से कब तक होती है। यहाँ पे आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के, थ्री टाइप के, एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल सीरियसली ले, इसको बिल्कुल भी जो है आपने ऐसा नहीं लेना है कि हाँ भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है। और जिनकी आज वीडियो ऑन नहीं है, कल सभी की वीडियो मुझे ऑन चाहिए, ठीक है, आज जैसा भी आप, ठीक है, वीडियोस जो है नहीं भी अगर किसी ने की है, तो कल से जो है सभी क्लासेस के अंदर आप वीडियोस ऑन करके बैठेंगे, ठीक है, सभी टीचर्स भी और सभी स्टूडेंट्स भी अपनी वीडियो जो है ऑन करके ही पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो प्री नेटल जो है, प्री नेटल जो स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ का मतलब है बच्चा जब गर्भ धारण कर लेता है जीरो से, है ना, यानी कि कंसेप्शन टू बर्थ यानी कि आपका गर्भ धारण से लेके जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका किस चीज का होता है, प्री नेटल बोलते हैं उसको हम। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कई बार पूछ लिया जाता है मंथ, तो कितना मंथ रहते हैं, 9 मंथ, 9 महीने, 10 दिन, 10 डेज का टाइम पीरियड होता है प्री नेटल का। फिर आपका डेज में पूछ ले जाए तो 280 डेज आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, आएगा मतलब यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपको वीक्स पूछ ले तो 40 वीक्स का यहाँ पे टाइम आएगा, तो ये नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, तो ये जो होता है ये बर्थ टू 2 ईयर तक होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर के 2 साल तक बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में या टॉडलरहुड में रहता है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें या मिडिल चाइल्डहुड की, तो ये जो चाइल्डहुड है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, एक अर्ली यानी कि आपका क्या कहते हैं अर्ली को, पूर्व, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और मिडिल लिखा यहाँ पे, बट आप लेटर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड मतलब है कि आपका उत्तर बाल्यावस्था, तो 2 से 6 साल तक बच्चा अर्ली में, और लेटर में जो है 6 से 11 लिख रखा, कहीं पे 12 भी होता है, तो आप कंसिडर करें 12 ईयर इसमें।
फिर है एडोलसेंस, तो एडोलसेंस आपकी 12 to 18 ईयर जो है आपकी एडोलसेंस रहती है। उसके बाद आपका एडल्टहुड आता है 18 से, यहाँ पे 65 साल कंसीडर कर दो आप पूरे का पूरा, क्योंकि मैंने दोनों को एक लिखा है, ठीक है? तो आपने कंसीडर करना है यहाँ पे 18 से 65 साल तक। फिर 65 से डेथ तक जो है वो जो है ओल्ड एज में आ जाता है ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी की सारी इनकी स्टेजेस हैं, या फिर कहें पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैं इस स्लाइड को नेक्स्ट कर दूं, आपने नोट कर लिया हो तो। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो आपका चाइल्डहुड है, जो आपका चाइल्डहुड है, हमने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक अर्ली और एक लेटर, ठीक है? एक अर्ली और एक लेटर। तो अर्ली यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, लेटर यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 साल और 6 से 12 साल, ठीक है? दोबारा तो इसे जो है और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आपका प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज भी बोल देते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है? ट्वाई एज भी बोल देंगे इसे हम। फिर इस एज में बच्चा क्या होता है, बहुत ही क्यूरियस टाइप का होता है, यानी कि बच्चे को जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चनिंग एज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वेश्चनिंग एज। बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बच्चा कहता है कि ये क्यों है, ये कैसे है। आपके घर में बच्चे होंगे या आसपास बच्चे होंगे या किसी ना किसी के बच्चे होंगे, तो वो आपने देखे होंगे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये क्या है, ये क्यों करते हैं। तो फिर इसके बाद आती है वोकैब, वोकैब एज बोल सकते हैं, या वोकैबुलरी एज बोल सकते हैं, या लैंग्वेज डेवलपमेंट एज बोल सकते हैं। इसमें बच्चे की जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो भी डिवेलप हो रही होती है, ठीक है? फिर आते हैं लेटर। लेटर की बात करें तो इसे हम कहेंगे स्कूल एज, स्कूल एज, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। गैंग एज भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के जो है दोस्त बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? लॉजिक एज यानी कि बच्चा जो है तर्क देना शुरू कर देता है, तो वहां पे लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फिर आता है सेम सेक्स सेक्स फ्रेंडशिप, यानी कि बच्चा जो है अपने ही, जैसे लड़का जो है लड़की के साथ, सॉरी लड़का जो है लड़के के साथ दोस्ती, और लड़की जो है अपनी दोस्ती जो है लड़कियों के साथ करेगी, तो इसीलिए इनके दोस्त जो है लड़कों के लड़के और लड़कियों के लड़कियां बनती हैं। इसके बाद इसी में हम आगे देखेंगे, ये तो हो गया आपका अर्ली और लेटर, चाइल्डहुड जो है आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि अच्छा ये जो चाइल्डहुड है, मान लो कि ऐसे लिख दिया होगा प्री गैंग एज जो है वो किसे कहते हैं, कौन से चाइल्डहुड को कहते हैं, या लॉजिक एज किसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको करवाऊं तो आपको पता हो, ठीक है? ADOLESCENCE, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, ठीक है? जो आपकी 12 से 18 या 19 साल तक होती है, जिसे आप दूसरा नाम क्या होता है इसका, टीन एज। क्या बोल देते हैं आप? टीन एज भी बोलते हैं बच्चों को, ठीक है? आप सभी भी इस उम्र से गुजरे होंगे, आप भी मैं भी सभी जो है टीन एज थे, तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। इस एज में बच्चा जो है एक तो जिद्दी बहुत होता है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। किसी का माइक ऑन है और साउंड आ रही, मनीषा चौधरी, माइक का ध्यान रखें, ठीक है? फिर इसमें बच्चा जो है एक्टिव मेंबर ग्रुप होता है, कि हर ग्रुप में जो है एक्टिव रहना चाहता है, एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है? हर ग्रुप में जो है वो एक्टिव रहना चाहता है। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बच्चे में एनर्जी जो है कैसी होती है, हाई लेवल की। बच्चा जो है डिसीजन मेकिंग भी होता है, डिसीजन जो है खुद ही लेना चाहता है,
सारे के सारे डिसीजन जो है वो खुद लेना चाहता है, और प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेता है। इसके अलावा हीरो वर्शिप होती है बच्चे में। क्या होती है? हीरो वर्शिप, यानी कि बच्चे ने जो देख लिया उसी की तरह करना शुरू कर देता है चीजों को। ठीक है, तो इस टाइम जो है बच्चे हीरो हीरोइंस के भी बहुत ज्यादा फैन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बने, हम भी हीरो बनेंगे, है ना। आजकल तो इतना ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया बच्चों पे कि इतनी ज्यादा ज्यादा वायरल होती है वीडियोज बच्चों की, है ना, टीन टीनेज के भी या छोटे छोटे भी, तो अभी चाइल्डहुड में है कई, तो चाइल्डहुड में ही वो इतने अच्छे अच्छे वीडियोज बना रहे हैं, इतने अच्छे उनके एक्शन रिएक्शन जो है इतने अच्छे हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जिसे हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन बोलते हैं, वो ये यहाँ पे ये देखने को मिलती है हमें। तो एडोलसेंस के बारे में क्लियर हुआ? यस यस मैम, यस मैम। ओके। इसके अलावा एडोलसेंस में एक चीज और देखेंगे हम कि जो हमारे स्टेनले होल है, स्टेनले होल, स्टेनले होल, स्पेलिंग गलत ना लिखूं कहीं, तो इन्होंने एडोलसेंस को क्या बोल रखा है? इन्होंने बोल रखा है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की जो है इन्होंने डेफिनेशन दे रखी, यानी कि आंधी और तूफान। ये कहते हैं कि बच्चा जो है कैसा होता है एडोलसेंस के अंदर, आंधी और तूफान की तरह होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, यस ओके, मैम। चलिए मैं एक और लिंक देती हूँ आपको। हाँ जी बोलो, मैं एक और लिंक देती हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करो इस क्लास को, क्योंकि इस लिंक में जो है 3 ही मिनट बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक क्लास और लो। हाँ, जिनका जिनकी क्लासेस पहले हो चुकी हैं तो उनको क्रैश कोर्स मिल रहा है, तो डेली जो है क्लास में आओ और लगवाओ। ठीक है, जिनकी पहले हो चुकी है तो वो दोबारा से जो है क्लासेस को लो, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है ना अभी, इसलिए जो है जिनको रिवीजन मिल रही है वो ले लो रिवीजन। चलो, तो दोबारा से जो है मैं आपको लिंक दे रही हूँ, दोबारा से क्लास में आओ। ठीक है।